हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आम की घी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया। अब एक बर्तन में 3 कप दूध लेंगे और इसको कर लेंगे बॉयल। इसमें एक बॉईल आ गया है, तो अब इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल को दूध में अच्छे से मिक्स कर दें। अब चावलों को यहाँ पे पकाना है, तो ये मीडियम से लो फ्लेम पे इसे आप रख दें और बीच बीच में इसको चलाते भी रहें ताकि ये जल ना जाए। तो खीर यहाँ गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और चावल भी गल गए हैं। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे मिल्क मेड। तो मैं यहाँ आधी कटोरी मिल्क मेड इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल चीनी ऐड कर दें, तो चीनी आप 3 से 4 चम्मच यहाँ ऐड कर दें। मिल्क मेड को भी खीर में अच्छे से मिक्स कर दें और इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पका लें। आम की खीर मिल्क मेड डाल के आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिल्क मेड डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए खीर को और मैंने पका लिया है। अब इसे मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये और घुली घुली हो जाए। तो फ्रेंड्स, खीर बनके तैयार है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इतनी देर आम को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आम लिया है, इसकी हमें प्यूरी बनानी है। तो यहाँ पे 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये आम की प्यूरी बन गई है, खीर भी यहाँ ठंडी हो गई है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे मैंगो प्यूरी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा डेजर्ट ऑप्शन है। जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना के ज़रूर देखें। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ आम, आम की खीर को गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। फ्रेंड्स, आम की खीर बनके तैयार है। आप सब भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।